नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग, सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। और यहां पर करंट अफेयर्स की क्लास की यहां पर शुरुआत हो गई है। फटाफट से एक काम कीजिएगा, फटाफट से क्लास की लिंक को कॉपी कीजिएगा और फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ इस क्लास में आज जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ यहाँ पर उठा सके। ओके, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर क्लास की करते हैं शुरुआत आप सभी के साथ जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और हाँ, क्लास के बाद क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? क्लास के बाद क्लास का पीडीएफ जो आपका मिलेगा वो आपको मिलेगा अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे बाद में आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह के लिए परेशान ना होना पड़े। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल। कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है अंकित गुप्ता जी के। इस पर करीब करीब 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आपके जुड़े हुए हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के सदस्य बन सकते हैं और आसानी से क्लास का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। क्लास के साथ साथ हर क्लास की अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर करते हैं क्लास की शुरुआत आप सभी के साथ। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर अंकित गुप्ता जी के कैपिटल लेटर्स में, तो आपको यहाँ पर ये चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ओके, ये रहा टेलीग्राम चैनल। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस की शुरुआत आपकी कर दी गई है, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच परचेज कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन करने से आपको इंडियन ज्योग्राफी की भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको लाइव क्लास मिलेंगी। इसके बाद आने वाले समय में जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद आगे आने वाले समय में 500 से भी ज्यादा प्लस एमसीक्यूज की जो एक्सपेक्टेड क्लास है वो आपकी होने वाली है, वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जितने टाइम पीरियड के लिए आप लोग यहां पर सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम पीरियड में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी, जितनी भी पेड एजुकेटर्स हैं जो कि आपके अकेडमी पर टीच कर रहे हैं, आप उन सब की क्लासेस यहां पर वॉच कर सकते हैं, आप उन सब की क्लासेस को यहां पर देख सकते हैं। याद रखिएगा, कोर्स का जो कोड बनता है वो बनता है Target10। आपको इसी कोड के माध्यम से ही यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन करना है जिससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, 10% ऑफ के अलावा आप लोग जितना भी यहाँ पर जुड़ते हैं अनअकैडमी पर, जैसे कि अभी 9 बजे क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप वहां पर जुड़ते हैं, क्लास को वॉच करते हैं, तो आपको कुछ वहां पर कॉइन्स मिलते हैं, उनको भी रिडीम किया जा सकता है जिससे आपको अप टू 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। इसको कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पर्सनली यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप Target10 कोड का यूज करते हैं तो आपको Target10 जो आपका पेड ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उस पर भी अटैच कर दिया जाएगा, जिसके लिए जहां पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह या डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपका Target10 कोड यूज करना ही जरूरी है। अगर आप इसको यूज करेंगे तभी आपको वहां पर वो सुविधा मिल पाएगी। इसके लिए आपको लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा कि हाँ सर, हमने Target10 कोड यूज किया है, देन आपको वहां पर उस पेड ग्रुप में एड कर दिया जाएगा जहां पर आप अपने कोई भी डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए रिवीजन सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के बाद एशिया कप 2020 आपका रद्द कर दिया गया है, अगले साल कौन सा देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है? पाकिस्तान करने वाला है, श्रीलंका करने वाला है, बांग्लादेश इस कप की मेजबानी करने वाला है? फटाफट से बताएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगले साल इस कप की मेजबानी कौन करेगा? इस साल तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान कंट्री के द्वारा की जा रही थी और अगले साल अब इस कप की मेजबानी कौन करेगा? अगले साल इस कप की मेजबानी जो करेगा वो श्रीलंका कंट्री आपका करेगा। कौन सा कंट्री करेगा? श्रीलंका कंट्री अगले साल इस कप की आपकी मेजबानी करेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई ही थी कि इस साल जो ये कप होने वाला था वो UAE में होने वाला था, जो कि आपका किसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया, ये आपका कैंसिल कर दिया गया कोरोना वायरस, कोरोना महामारी की वजह से, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और अगले साल जो आपका ये टूर्नामेंट होगा, अब ये पाकिस्तान की जगह श्रीलंका आयोजित करेगा या श्रीलंका आपका यहाँ पर होस्ट करने वाला है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। श्रीलंका के साथ उसने अपने जो भी यहाँ पर मेजबानी के अधिकार है उनको वहां पर क्या कर लिया है, मेजबानी के अधिकारों को यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया है, और अब पाकिस्तान 2022 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी आपका करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कटराव गांव में आजादी के बाद से ही कोई भी नया केस या FIR आज तक आपकी दर्ज नहीं हुई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है,
ये क्या है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल ये तो अच्छी बात है कि भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं हुआ है, केसेस नहीं रिकॉर्ड हुए हैं। और यहाँ के जो आपके, तो ये जो कटराव गांव आपका बनता है, ये कटराव गांव कहाँ पर किस राज्य में आपका मौजूद है? फटाफट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। करेक्ट आंसर आपका बनता है यहाँ पर बिहार राज्य। तो बिहार राज्य के द्वारा, मतलब बिहार राज्य के कटराव गांव में आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी नया केस और FIR आपकी दर्ज नहीं हुई है। और वहां के जो DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने हाल ही में इस गांव का दौरा भी किया था और उन्होंने कहा जी हाँ, आजादी से लेकर अब तक इस गांव में एक भी FIR आपकी दर्ज नहीं गई है। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अगर कुछ होता भी है, छोटा मोटा कोई विवाद होता भी है, तो लोग आपसी तालमेल के माध्यम से उसको सुलझा लेते हैं, कोई भी यहाँ पर केस वगैरह नहीं करता। तो ये गांव दूसरे गांवों के लिए यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्रेरणा स्रोत आपका बनता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर में रणनीतिक तौर पर अहम कितने पुलों का रक्षा मंत्री ने यहाँ पर लोकार्पण किया था? हाउ मेनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर वेर इनॉग्रेटेड बाई द डिफेंस मिनिस्टर? टोटल इनकी संख्या कितनी थी? टोटल इनकी संख्या आपकी थी 3, 5, 6 और 4। तो करेक्ट आंसर बनता है इनकी संख्या आपकी 6 थी, याद रखिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में रणनीतिक तौर पर जो आपके अहम सेक्टर है वहां पर BRO, BRO का फुल फॉर्म बनता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर यहां पर 6 पुलों का निर्माण यहां पर किया गया था, जिसको यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, मतलब कि शुरू कर दिया गया है। और इस इलाके में जहां पर भी ये पुल आपके बनाए गए हैं, इन इलाकों के आर्थिक विकास के लिए भी और यहाँ पर सेना की आवाजाही के लिए भी ये पुल आपके बहुत अहम आपके साबित होंगे आगे आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कुल कितने एप्लीकेशन पर आपका प्रतिबंध लगाया है? हमने इससे पहले ये पढ़ा था, ये सुना था कि यहाँ पर करीब 59 जो आपके चाइनीज एप्लीकेशंस आपके बनते हैं, तो 59 आपके जो एप्लीकेशंस बनते हैं उनको यहां पर क्या कर दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि कुल कितने चाइनीज ऐप्स को यहां पर आपके कुल कितने ऐप्स को यहां पर कुल कितने ऐप्स को यहां पर आपका प्रतिबंधित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो इसमें बहुत सारे चाइनीज ऐप्स भी शामिल है और इसके अलावा दूसरे ऐप्स भी आपके शामिल है, याद रखिएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने ऐप्स को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो उनकी संख्या जो आपकी बनती है वो आपकी बनती है 89, याद रखिएगा। टोटल यहाँ पर 89 ऐप्स को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। और इन ऐप्स में अगर मैं बात करूँ तो फिर वो आपके वो सारे ऐप्स आपके शामिल है, कौन कौन से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें आपके PUBG भी शामिल है, इसमें आपका फेसबुक भी शामिल है, इसमें आपका इंस्टाग्राम भी शामिल है। तो सूचनाएं लीक होने से बचाने के लिए, किसके लिए, सूचनाएं लीक होने से बचाने के लिए, सूचनाएं लीक होने से बचाने के लिए यहाँ पर ये कदम भारतीय सेना के द्वारा उठाया गया है। तो यहाँ पर टोटल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शेयरइट, ट्रू कॉलर सहित और यूट्यूब ब्राउजर सहित टोटल 89 आसान बनता है 89 59, ये दो संख्याएं आपको याद रखनी है 89 59, ये दो संख्याएं आपको यहाँ पर याद रखनी है। और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि आपके गेमिंग बनते हैं, जैसे कि PUBG है, क्लैश ऑफ किंग्स है, मोबाइल लेजेंड्स ऐसे गेम है, इन पर भी आपका प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है भाई। लेकिन इन लिखित में से कौन से एप्लीकेशन को भारतीय सेना के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है? टोटल 89 जो आपके एप्स बनते हैं उसमें प्रतिबंधित नहीं किया गया है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज नॉट बीन बैन्ड बाय द इंडियन आर्मी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर और ट्विटर। तो इसमें से ट्विटर आपका बनता है जिसको भारतीय सेना के द्वारा प्रतिबंधित यहाँ पर नहीं किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्विटर के फाउंडर कौन बनते हैं, जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर बनते हैं और ट्विटर पर जो ट्वीट किया जाता है वो मैक्सिमम कितने टैग्स या कितने लेटर्स का आपका हो सकता है? तो ट्विटर पर जो ट्वीट किया जाता है वो मैक्सिमम कितने लेटर्स का हो सकता है, आपको उसकी संख्या यहाँ पर बतानी है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पहले 140 करेक्टर का ट्वीट ही आपका किया जा सकता था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया जरा मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया था सर, FB और इंस्टाग्राम तो चल रहा है नारायण कौशल जी, FB और इंस्टाग्राम आपका चल रहा है, आप इंडियन आर्मी में थोड़ी ना है। इंडियन आर्मी के सैनिकों के लिए यहाँ पर ये किया गया है, तो आप इंडियन आर्मी में थोड़ी ना है, ठीक है ना भाई। इंडियन आर्मी में है क्या नारायण कौशल जी, इंडियन आर्मी में है क्या? अगर इंडियन आर्मी में है तो भैया फिर इसको हटा दो। इंडियन आर्मी ने अपने इंडियन आर्मी के सैनिकों के लिए इसको प्रतिबंधित किया है भाई, समझ रहे हो ना। किस राज्य सरकार ने भू उपयोग खुफिया प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की है? हाँ, 280, जितने भी लोगों ने आंसर यहाँ पर लिखा है कि 280 कैरेक्टर्स सर मैक्सिमम जो ट्वीट हो सकता है वो 280 कैरेक्टर्स का हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लैंड लॉन्च अ लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम?
अगर आप इंडियन आर्मी में हैं तो भाई आपको ये हटाना है। भारतीय सेना आपके फोन में नहीं खर्च सकती। अभी इसके लिए एक व्यापक सर्वे चलाया जाएगा इंडियन आर्मी में। हाँ, नारायण कौशल जी कह रहे हैं नहीं सर हम इंडियन आर्मी में नहीं है, तो हाँ, तो आप यूज कर सकते हैं भाई। आप इंडियन आर्मी में नहीं है, खुश हो जाइए कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी ने जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, ठीक है, इंडियन है हम, वो एक अलग बात है। वो तो हमें पता है कि आप सब इंडियन हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी के एक सैनिक हैं, एक इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, तो ऐसी कंडीशन में सूचना लीक होने से बचाने के लिए, सूचना लीक होने से बचाने के लिए इन सभी एप्लीकेशन को एहतियातन यहाँ पर क्या किया गया है, बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और अभी एक व्यापक सर्वे चलाया जाएगा जिसमें चेक भी किया जाएगा कि किसके फोन में ये एप्लीकेशन है, नहीं है, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, किस राज्य सरकार ने भू उपयोग खुफिया प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की है। उड़ीसा यहाँ पर सर करेक्ट आंसर आपका बनता है। नवीन पटनायक एंड गणेशी लाल जी, वेरी गुड एकता जी। उड़ीसा के जो आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं आपके नवीन पटनायक, और आपके जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं आपके गणेशी लाल जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। और यहाँ पर जो लैंड यूज जो पॉलिसी यहाँ पर यूज की गई है, इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया है, उसका नाम बनता है लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, और इसे ब्लूइस कहा जाता है शॉर्ट में, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन। सेल्फ स्कैन भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक दस्तावेज स्कैनिंग एप्लीकेशन आपकी बनती है। सेल्फ स्कैन इज अ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला और कर्नाटका। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो आपका बनता है वो बनता है आपका वेस्ट बंगाल। क्या बनता है भाई? वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर बनती है ममता बैनर्जी, तो ममता बैनर्जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। नाम बस आपको याद रखना है, सेल्फ स्कैन इस डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप का जो नाम बनता है वो बनता है सेल्फ स्कैन, जिसको डेवलप किया गया है इसी राज्य के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में खुद को क्वारंटीन कर लिया है? अब तो सारी चीजें ठीक हो गई हैं, ये थोड़ा सा 2 दिन पुरानी न्यूज हो जाएगी अब आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इनकी वो नेगेटिव आई है, जिसकी वजह से अब इन्होंने अपने आप को फ्री भी यहाँ पर कर लिया। करेक्ट आंसर पर बनता है झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं हेमंत सोरेन। क्या बनते हैं? हेमंत सोरेन साहब ने मिथिलेश ठाकुर नाम के मंत्री के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद अपने आप को होम क्वारंटीन यहाँ पर कर लिया था, और मुख्यमंत्री कार्यालय के भी सभी अधिकारियों से अपील की थी कि आप लोग भी क्वारंटीन हो जाए, पता नहीं किसको कब कोरोना वायरस हो जाए। अमिताभ बच्चन साहब को भी कोरोना वायरस हो गया है, तो भैया फिर किसी को भी कोरोना वायरस हो सकता है इंडिया में, और उन्हें नानाभटी अस्पताल में भी आपका यहाँ पर भर्ती आपका कराया गया है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। किस राष्ट्र के राष्ट्रपति का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है? ब्राजील, रशिया, फ्रांस और यूएस। करेक्ट आंसर पर बनता है आपका ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति आपके बनते हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन बनते हैं? जेयर बोल्सोनारो। और मंगलवार को जिनका कोविड-19 टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आने की घोषणा आपकी हुई है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें बताया तो ये गया है कि इनका कोरोना वायरस जो टेस्ट पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया है 2 दिन में ही, तो अच्छी बात है भाई अगर ऐसा है। हाँ, पूरी बच्चन फैमिली को यहाँ पर क्वारंटीन कर दिया गया है, क्योंकि और इनके बंगले के आसपास के एरिया को भी यहाँ पर सील कर दिया गया है ताकि कोई भी लोग उसके जद में ना आए यहाँ पर। ठीक है भाई। अच्छा, ब्राजील कंट्री का नाम यहाँ पर आ गया, वहां के प्रेसिडेंट का नाम आ गया। जरा ब्राजील के बारे में बताएगा कि ब्राजील किस चीज के उत्पादन में नंबर 1 पोजिशन है वर्ल्ड में, जो मैंने आपको बताया था। ओके, मालदीव और श्रीलंका ने किस बीमारी को 2023 ईयर के लक्ष्य के पहले ही यहाँ पर खत्म कर दिया है? लक्ष्य तो ये था कि 2023 तक इस बीमारी को खत्म करना है, लेकिन 2023 से पहले ही इसको खत्म कर दिया। ये बीमारी आपकी बनती है मीजल्स और रूबेला। इन दो बीमारियों को यहाँ पर 2023 के ईयर के लक्ष्य के पहले यहाँ पर कंप्लीट आपका कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। मालदीव और श्रीलंका ये दो फर्स्ट एशियन कंट्री आपके बनते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, जहां पर इन दोनों बीमारियों को यहां पर खत्म किया गया है, एलिमिनेट यहां पर कर दिया गया है। ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक की अगर मैं बात करता हूं, शॉर्ट में बोलेंगे ग्रेटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या बनती है? ग्रेटी इंडेक्स का फुल फॉर्म बनता है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, और इसमें भारत की रैंकिंग यहाँ पर 34वीं पोजीशन पर आपकी बनती है। ब्राजील की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कॉफी के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। अंकित मिश्रा जी बिल्कुल सही बोला, जो आपका सांतोस नाम का जो पोर्ट आपका बनता है वो आपका कॉफी पोर्ट आपका बनता है। कॉफी रेल नहीं बनता, कॉफी पोर्ट बनता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, क्लियर रहा? चलिए,
तो यहां तक रिवीजन हुआ खत्म, तो उम्मीद है यहाँ पर रिवीजन सेशन आपको क्लियर रहा होगा। फटाफट से एक बार लाइक और शेयर मार दीजिएगा ताकि और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ सकें। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक दो दिन से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दी हेल्थ इश्यू, तो ठीक है इसलिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कम भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है भाई, 13 जुलाई की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विकास दुबे के एनकाउंटर की जो जांच है और उसके लिए जो कमिटी बनाई गई है, पहली चीज कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल एनकाउंटर था और यहाँ पर ये पूरे भारत में चर्चा में रहा, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी बनता है। अब ये कोई रीजनल, वैसे तो ये रीजनल इन्वेस्टिगेशन है लेकिन ये पूरे इंडिया में इसने चर्चा या इसने सुर्खियां बटोरी हैं, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपने सुना होगा कि यूपी पुलिस के करीब 8 पुलिस अधिकारी जब विकास दुबे को पकड़ने इसके घर पर रेड मारने गए थे, तो वहां पर फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी आपके शहीद हुए थे। उसके बाद ये मामला पूरा हाईलाइट हो गया, पूरे भारत में मामला बिल्कुल फैल गया था। तो आपको बताना कि विच कमिटी हैज बीन फॉर्म बाय द यूपी गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द एनकाउंटर ऑफ द विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए किस समिति का गठन अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। कमेटी का नाम जस्टिस सूरजकांत अग्रवाल कमेटी, जस्टिस शशि भूषण अग्रवाल कमेटी, जस्टिस शशिकांत अग्रवाल कमेटी या फिर जस्टिस शशि सहाय अग्रवाल कमेटी, बताइए। इन पांचों में से अगर मैं बात करता है इन चारों में से अगर मैं बात करता हूं तो किस कमिटी का गठन यहां पर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए किया गया है। अंदाजा है तो फटाफट बताएगा कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अगर अंदाजा है तो यस लिखकर बता दीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार स्किप लिख दीजिएगा कि नहीं सर हमें जानकारी यहाँ पर नहीं है। एक बार स्किप लिख दीजिएगा कि हाँ सर हमें इसकी जानकारी नहीं है। अमित कुमार जी कह रहे हैं सर जस्टिस शशि सहाय अग्रवाल कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर मालूम है तभी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सभी लोग स्किप लिख दीजिए ताकि कम से कम लोगों को समझ में तो आए। सोहेल कह रहे हैं सर यूपी क्या बनेगा, इंडिया का वासेपुर बनता है। चलो ठीक है यार, ये सब तो चलता रहता है। चलो बताओ भाई फटाफट, यहाँ पर सभी लोग मैक्सिमम लोग स्किप ही कर रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है जस्टिस सूरजकांत अग्रवाल कमेटी। क्या बनता है? जस्टिस सूरजकांत अग्रवाल। नहीं, जस्टिस सूरजकांत भी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर शशिकांत अग्रवाल कमेटी सही होगा। क्या होगा सही, इसको अपडेट कीजिएगा। शशिकांत अग्रवाल यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? शशिकांत अग्रवाल, जस्टिस शशिकांत अग्रवाल कमेटी। मैक्सिमम लोगों ने स्किप किया है, क्या बात है भाई, मैक्सिमम लोगों ने यहां पर स्किप किया है। तो शशिकांत अग्रवाल जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता में यहां पर यह कमेटी आपकी बनाई गई है। बस कमेटी का नाम अलग से लिख लेना क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इस कमेटी के बारे में शायद पूछ भी लिया जाए। वैसे रीजनल न्यूज हो जाएगी लेकिन फिर भी ये नेशनली इसने काफी अटेंशन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में 8 प्लस कर्मियों को मारे जाने की घटना या शहीद हो जाने की जो घटना रही उसमें हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया। मतलब कि इस सदस्य में, मतलब कि इस कमेटी में और कोई भी यहां पर नहीं है, एक ही बंदा यहां पर इस कमेटी का अध्यक्ष यहां पर बना हुआ है जिसका नाम हमने आपको बताया। ये रिटायर्ड आपके एक जस्टिस बनते नाम बनता शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्यालय भी कानपुर में होगा। वहीं आयोग को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को बोला गया है कि 2 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपिएगा। क्लियर हुआ भाई? चलो अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, दूध और उसके उससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर नामक एक सप्ताह लंबे अभियान की शुरुआत की। विच स्टेट हैज लॉन्च द वीक लॉन्ग कैंपेन टाइटल प्योर फॉर श्योर टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट ये तो चेक करना ही है, साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, कहीं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव तो नहीं है। तो इसकी जांच के लिए भी यहाँ पर प्योर फॉर श्योर नामक जो ये एक सप्ताह तक चलने वाला जो अभियान है, कैंपेन है, वो आपकी चलाई गई है। ये गुजरात सरकार के द्वारा, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, किसके द्वारा ये चलाई गई है फटाफट से जरा मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा। फटाफट फटाफट लाइक और शेयर करते चलना भैया, जितने भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलें। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है आपका राजस्थान स्टेट।
करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, राजस्थान स्टेट बनेगा। राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं अशोक गहलोत साहब, और यहाँ के गवर्नर कौन बनते हैं, फटाफट से टाइप करके मुझे बताएगा कि राजस्थान के वर्तमान गवर्नर आपके कौन बनते हैं। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या बनता है, फटाफट से लिखकर बताइएगा। राजस्थान में आपका जो डेजर्ट नेशनल पार्क आपका बनता है, कौन सा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भारत का दूसरा यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क बनता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनता है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो बनता है वो बनता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। क्या बनता है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपका मौजूद है। वो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ओके, अभी तक किसी ने भाई गुजरात के गवर्नर का, वो राजस्थान के गवर्नर के बारे में नहीं बताया, सबसे पहले शेखर सिंह जी ने बताया सर, कलराज मिश्र, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना आपकी बनती है, ये किस राज्य में आपकी मौजूद है। द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, इट इज इन विच स्टेट, ये गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या फिर मध्य प्रदेश में। फटाफट से टाइप करके बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वेरी गुड रोनित घोष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आपके बनते हैं वो सचिन पायलट बनते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा सचिन पायलट, वेरी गुड। यहाँ पर बताइएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, कहाँ पर आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, रीवा एक शहर है और वहां पर आपका ये मौजूद है, तो करेक्ट आंसर बनता है रीवा आपका मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी सही जवाब आपका मध्य प्रदेश ही बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको डेडिकेट किया गया है, हमारे देश को, हमारी कंट्री को समर्पित किया गया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, और इसे बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जुलाई 2020 को आपका लॉन्च किया गया था। द न्यू 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैज बीन सेटअप इन रीवा, जो कि मध्य प्रदेश से बनता है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनता हैज बीन डेवलप्ड एवर टू द टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया जो आपका बनता है 1500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनता है, जो कि 1500 एकड़ के, सॉरी 1500 हेक्टेयर के एरिया में आपका यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी आपका यहाँ पर कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके से संबंधित है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर सोलर पार्क के बारे में ही डिस्कशन किया था, सोलर पार्क प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसी क्रम में आपको ये बताना था धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क इज बेस्ड ऑन विच स्टेट, आपको ये बताना है कि धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क आपका किस राज्य में मौजूद है, ये सूरत गुजरात में मौजूद है या फिर मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है या फिर भोपाल मध्य प्रदेश में मौजूद है या फिर पोखरण राजस्थान में मौजूद है। फटाफट डोरेमन, बिल्कुल सही कहा, एमपी में कान्हा पैंच सतपुड़ा कान्हा, इसके अलावा पैंच सतपुड़ा वन बिहार, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं, ये बात भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये भी आप लोग याद रखेंगे। गवर्नर आपकी बनती है आनंदी बेन पटेल, अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी के गवर्नर आनंदी बेन पटेल को जो अतिरिक्त कार्यभार आपका सौंपा गया है, वो आपका मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पर सौंपा गया है। जितने भी लोग यहाँ पर गुजरात आंसर कर रहे हैं, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात, क्योंकि मुझे पता है कि धीरू भाई अंबानी का संबंध गुजरात राज्य से ही था, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर गुजरात या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर किया है, दोनों ही आंसर यहाँ पर गलत है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क आपका जो मौजूद है वो पोखरण राजस्थान में आपका मौजूद है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जदगल हवाई अड्डा किस राज्य का एक घरेलू हवाई अड्डा आपका बनता है, फटाफट बताइएगा। जदगल एयरपोर्ट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन विच स्टेट, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड। जदगल हवाई अड्डा किस राज्य का एक घरेलू हवाई अड्डा बनता है, फटाफट, सोया स्टेट भी बोलते हैं एमपी को, धन्यवाद अमित कुमार जी। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एमपी में ही होता है, इसलिए सोयाबीन, मूंगफली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका होता है गुजरात में, कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है आपका कर्नाटका में, बनाना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका तमिलनाडु में, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीजें हैं, संतरों का सबसे अधिक उत्पादन नागपुर महाराष्ट्र में होता है, ये सारी चीजों को याद करते हुए चलिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है जगदलपुर हवाई अड्डा, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका मौजूद है, ये याद रखेंगे। वॉकर कप की बात करते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, हॉर्स रेसिंग के संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, हॉकी से है या फिर गोल्फ से है, तो करेक्ट आंसर बनता है गोल्फ कप से संबंधित, गोल्फ खेल से संबंधित है आपका वॉकर कप। ठीक है भाई, याद रखिएगा।
ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं इस महीने में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो उनको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके हैं वो थोड़े से कम है। तो पूरे महीने के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि अभी आपकी 12-13 तारीख हो रही है, तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर अलग से शामिल किया, जो कि एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है और कितना आप लोग यहाँ पर सही बता पाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गौठान न्याय योजना की यहाँ पर घोषणा की है? झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, बिहार राज्य या फिर उड़ीसा राज्य? फटाफट से बताएगा। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस द गौठान न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम द कैटल ओनर्स? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। करेक्ट आंसर बनता है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट ने इससे पहले 21 मई के दिन, जब आपका एंटी टेररिज्म डे होता है, आतंकवाद रोधी दिवस आपका बनता है, उस दिन आपका राजीव गांधी न्याय योजना की भी आपकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कितना याद है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बनता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश आपका यहाँ पर करने वाला है? विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। ब्राजील और पेरू मतलब कि एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर। कोलंबिया, मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फटाफट से बताएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। अजीत जोगी जी क्या थे, छत्तीसगढ़ राज्य के आपके क्या थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी हाल ही में उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ये दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर इसको आयोजित करने वाले हैं 2023 के यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप महिला को यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपका एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर एक अंतरिक्ष पर्यटक ले जाने की आपकी योजना बना रहा है? विच नेशन स्पेस कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन द स्पेस वॉक इन 2023? अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया। अभी तक जो लोग भी जाते थे वो अंतरिक्ष यात्री होते थे, कुछ ना कुछ रिसर्च के लिए जाते थे या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर वहां पर कुछ काम के लिए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर टूरिज्म के लिए भी पहला पर्यटक, जो टूरिस्ट के लिए या टूरिज्म के लिए है, पहला पर्यटक यहाँ पर जाएगा। करेक्ट आंसर पर बनता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रशिया कंट्री, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्किप भी किया है इसको, करेक्ट आंसर पर रशिया बनेगा। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या बनता है, फटाफट से लिखकर बताइएगा। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या बनता है, फटाफट से लिखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीआरओ, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित पुंजा पुल और देविका ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया था, और ये दोनों ही पुल और ब्रिज आपके किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपके मौजूद हैं? तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनता है जम्मू एंड कश्मीर। हां, रशिया की जो आपकी स्पेस एजेंसी बनती है वो रॉसकॉसमॉस बनती है, बिल्कुल सही आपने बताया। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की मैं बात करता हूँ, वर्तमान में प्रेसिडेंट है, और ये भी याद रखें कि व्लादिमीर पुतिन अब आने वाले 2036 तक इस देश के आपके प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापू निस्तम योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। फटाफट से बताएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कापू निस्तम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वुमेन ऑफ द कापू कम्युनिटी? नाम इस योजना का कापू योजना इसलिए है क्योंकि ये जो योजना है वो कापू समुदायों की महिलाएं जो हैं उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने से लेकर है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। किस कम्युनिटी की महिलाओं को? कापू समुदाय की महिलाओं को। अब बताइए फटाफट, कापू समुदाय और इनके लिए योजना है वो आपकी बनती है आंध्र प्रदेश स्टेट में। सबसे पहले सोनम सोनी जी ने आंसर किया, वेरी गुड सोनम जी, सही जवाब यहाँ पर आंध्र प्रदेश बनता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, किस रेगिस्तान से उठा गॉडजिला डस्ट क्लाउड करीब 8,000 किलोमीटर चलकर आपका अमेरिका पहुंच गया था? तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गॉडजिला डस्ट क्लाउड जो आपका बना था वो किस रेगिस्तान से बना था? थार के रेगिस्तान से, आटाकामा के रेगिस्तान से, गोबी के रेगिस्तान से या फिर सहारा के रेगिस्तान से? फटाफट, गॉडजिला डस्ट क्लाउड वोक 8,046 किलोमीटर विच विल डेजर्ट रीच्ड अमेरिका। तो किस रेगिस्तान से आपका ये उठा था? तो ये आपका उठा था सहारा डेजर्ट से, और सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बनता है, जो कि आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में आपका यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर सी आंसर भी कर रहे हैं यानी कि गोबी डेजर्ट, कुछ लोग यहाँ पर टू भी आंसर कर रहे हैं। नारायण कौशल जी यहाँ पर जो नया आंसर कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर टू।
तो भैया ये सब गलत है, करेक्ट आंसर सारा डेजर्ट बनता है। अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं इस करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हुए और बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, तो यही रीजन बन जाता है कभी कभी रिविजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिविजन इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। नासा ने अपने वॉशिंगटन डीसी मुख्यालय का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसके मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं, अब ये मुख्यालय किस नाम से आपका जाना जाएगा? नासा हैज डिसाइडेड टू रीनेम इट्स वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर आफ्टर हुम, नील आर्मस्ट्रांग, कल्पना चावला, कैथरीन जॉनसन या फिर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। हमने आपसे डिस्कशन ये किया था कि नासा का फुल फॉर्म जो बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की आपकी ऑफिशियल जो आपकी स्पेस एजेंसी है वो आपकी बनती है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में ही आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी बनता है और IMF का हेडक्वार्टर भी बनता है। और नासा में काम करने वाली सबसे पहली अफ्रीकन अमेरिकन जो आपकी इंजीनियर थी उनके नाम पर यहाँ पर ये जो हेडक्वार्टर है वो नाम रखने की बात कही गई है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा, पूरा नाम आपका बनेगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर, इस तरीके से नाम आपका यहाँ पर बनेगा। ओके, पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा हरिओम यादव जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, टिकटॉक एक चीनी वीडियो साझा करने वाली सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, आप तो इसको बंद कर दिया गया है, जो कि 59 जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं, 59 मोबाइल एप्लीकेशंस में से ये कंपनी आपकी ये एप्लीकेशन आपकी एक थी और सबसे मुख्य एप्लीकेशन यही थी, 59 एप्लीकेशंस में से सबसे मुख्य एप्लीकेशन यही थी जिसको आपका यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर बंद करने की बात की गई थी। तो टिकटॉक आपको बताना है कि किस कंपनी की या इस कंपनी इस एप्लीकेशन की मालिक कौन सी कंपनी बनती है, ओनर कौन सी कंपनी बनती है, यूसी वेब, अलीबाबा ग्रुप, शेयरइट या फिर बाइट डांस, इन चारों में से कौन सी कंपनी यहां पर टिकटॉक कंपनी की यहां पर ओनर बनती है चाइना में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाइट डांस यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसे तालाब मैन और लेक मैन के नाम से भी आपका जाना जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज द पॉन्ड मैन और लेक मैन, इनका नाम क्या बनता है, रामू गौड़ा या फिर जादू गौड़ा या फिर कामे गौड़ा या फिर कैंपे गौड़ा? हाल ही में मोदी जी ने संडे को जो आपका मन की बात थी उसमें इनका जिक्र किया था, क्योंकि इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध आपका कर्नाटक राज्य से है और इन्होंने अपने अकेले दम पर कर्नाटक के अंदर 11 के आसपास छोटे बड़े तालाबों का निर्माण किया है, जो कि इकोसिस्टम के लिए और लोगों को पानी के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी बनते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर ये नाम दिया गया है पॉन्ड मैन या फिर लेक मैन। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कामे गौड़ा साहब, ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी और अतानु दास किस खेल के खिलाड़ी हैं? हाल ही में इन लोगों ने रांची झारखंड में इन दोनों ने आपस में शादी यहाँ पर करी, तो आपको बताना है कि दीपिका कुमारी और नतानु दास दोनों ही फेमस खिलाड़ी बनते हैं, फेमस प्लेयर आपके बनते हैं, तो किस गेम के फेमस प्लेयर हैं दोनों ही दोनों खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर आपस में यहाँ पर शादी रचाई रांची झारखंड में? क्रिकेट, आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, बैडमिंटन और गोल्फ, किस खेल के खिलाड़ी यहाँ पर बनते हैं? फटाफट। हाँ, कामे गौड़ा वहां पर सही है और यहाँ पर जो सही बनता है वो बनता है तीरंदाजी। तीरंदाजी के बारे में याद ये रखना है कि तीरंदाजी भूटान कंट्री का आपका नेशनल गेम भी आपका बनता है। किस कंट्री का नेशनल गेम बनता है? भूटान कंट्री का ये नेशनल गेम आपका यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटना की यहाँ पर शुरुआत की है? आसान है इस क्वेश्चन का आंसर कर पाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। विच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट प्लेटना दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल? मैंने आपको बताया था कि खून से प्लाज्मा को निकालकर, एक स्वस्थ व्यक्ति के खून से प्लाज्मा को निकालकर ऐसे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है जो कि कोरोना पॉजिटिव है और उसकी बॉडी इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा को निकालकर एक बीमार व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटना आपका महाराष्ट्र स्टेट में आपका शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, किसे अगले एक साल के लिए दोबारा से अटॉर्नी जनरल यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है? वो हैज बीन रीअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल फॉर नेक्स्ट वन ईयर, एमसी शीतल वार्ड, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा,
हाँ रणित घोष जी बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ईरान से दिलीप निकला, देवधर रंजीत और मुश्ताक अली के साथ एशिया डीलरशिप करा के फ्रेंडशिप की और रानी लक्ष्मीबाई के सामने सी झुकाए। ये क्रिकेट के कप्स एंड ट्रॉफीज को याद रखने की बिल्कुल सही ट्रिक यहाँ पर बनती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है आपका के वेणुगोपाल। क्या बनता है? के वेणुगोपाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फटाफट से बताइएगा किस महीने तक? अगस्त 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 या फिर दिसंबर 2020? फटाफट करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, फटाफट से टाइप करके बताइएगा। करेक्ट आंसर सर यहाँ पर बनेगा नवंबर 2020, जिसके तहत यहाँ पर फ्री राशन दिया जाएगा उन लोगों को जो कि लॉकडाउन में आपके फंसे हुए थे। तो जो लोग गरीब हैं, राशन का यहाँ पर जुगाड़ नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से ये योजना यहाँ पर लाई गई थी। अब इस योजना को नवंबर 2020 तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा यहाँ पर करी गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? सत्यदेव नारायण आर्या, अनुसुईया उइके, बेबी रानी मौर्य या इनमें से कोई नहीं। हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आपकी की जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेक एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये यूपी के गवर्नर है। नाम इनका बनता है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा नन ऑफ दीज। सत्यदेव नारायण आर्या किस राज्य के बनते हैं? हरियाणा के बनते हैं। अनुसुईया उइके की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट से बनती है, और बेबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड की आपकी गवर्नर बनती है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय एम्पायर का नाम आपको बताना है जिसे हाल ही में 2020 और 21 सत्र के लिए एम्पायरों के आईसीसी एलीट पैनल में आपका शामिल किया गया है। नाम आप सभी के सामने बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा। नेम द इंडियन एम्पायर हु हैज बीन रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स फॉर अपकमिंग 2020-21 सीजन। अभी तक इस एलीट पैनल में शामिल होने वाले ये 10 आपके क्या बनते हैं, ये 10 ही आपके क्या बनते हैं, ये सॉरी उनमें से तीन ये आपके एम्पायर यहाँ पर बनते हैं, उनमें से तीन एम्पायर में से आपके ये बनते हैं। फटाफट से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा नितिन मेनन। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्र ने अफस्पा से संबंध में जो अफस्पा ये कानून है हाल ही में ये बढ़ा दिया है, अफस्पा नामक ये कानून, और अगले 6 महीनों के लिए इसको और बढ़ा दिया है। तो इसको यहाँ पर जो बढ़ाया गया है वो अशांत क्षेत्र कहकर इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। किस राज्य में? विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ बाय द सेंट्रल अंडर द अफस्पा। अफस्पा का फुल फॉर्म बनता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या बनता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये अफस्पा का फुल फॉर्म आपका बनता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर संदिग्धता के आधार पर डाउट अगर है हमें, तो उस व्यक्ति की तलाशी यहाँ पर ली जा सकती है, और उस व्यक्ति को तलाशी तो यहाँ पर ली ही जा सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है तो उस व्यक्ति को गोली भी मारी जा सकती है। तो ये यहाँ पर जो नागालैंड स्टेट है वहां पर इसको अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। नागालैंड भारत के नक्शे पर कहाँ पर मौजूद है? नागालैंड भारत के नक्शे पर यहाँ पर सर आपका मौजूद है, ये आपका नागालैंड स्टेट आपका बनता है, ये आपका नागालैंड स्टेट बनता है जो कि ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश से आपका घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के 7 भारतीय राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य बनता है, और नागालैंड दक्षिण में किस भारतीय राज्य से लगता है? ये आपका मणिपुर से लगता है। मणिपुर के नीचे क्या है? मणिपुर के नीचे आपका मिजोरम स्टेट बनता है। मिजोरम के बगल में क्या है? मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका मेघालय बनता है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका स्टेट बनता है ये आपका असम स्टेट आपका बनता है। ये नॉर्थ ईस्ट की पूरी सिचुएशन आपकी यहाँ पर बनती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? सीधा एक नंबर पर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी? किरण जौहर, निगर जौहर, निखार जौहर या फिर नजर जौहर? फटाफट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बिल्कुल सही है। हाँ भैया, डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अब यही सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं नवंबर 2020 में,
अमेरिका में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो उससे अच्छा है साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया में बैंकिंग की तैयारी भी करते रहे। अगर बैंक में ज्वाइनिंग हो गई तो फिर अमेरिका छोड़कर बैंक को इंडिया में यहाँ पर बैंकिंग को ही ज्वाइन कर लेंगे, वो ज्यादा सेफ रहेगा भविष्य के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अगला यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है निगार जौहर, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहला शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत में पहला शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? फटाफट से यहाँ पर बताया गया, द फर्स्ट एवर लिचेन पार्क इन इंडिया हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला और महाराष्ट्र। फटाफट फटाफट बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है, फटाफट बताइएगा करेक्ट आंसर क्या बनता है। करेक्ट आंसर बनता है आपका उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट में भारत का पहला शैवाल पार्क आपका यहाँ पर ओपन किया गया है, याद रखिएगा। अरे ऊपर गए अभी डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा ऊपर ही उनका भी मैसेज आ भी रहा था। उत्तराखंड की बात करते हैं, अभी हाल ही में गैरसैंण नामक नई राजधानी की घोषणा उत्तराखंड ने की थी और इस राजधानी को बरारसैंण के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, किल कोरोना अभियान एक 15 दिन लंबी एक ड्राइव है और 15 दिन तक इसका सर्वे कराया जाएगा, जो कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक डोर टू डोर सर्वेक्षण है। आपको ये बताना है कि ये जो सर्वेक्षण है वो किस राज्य के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। किल कोरोना कैंपेन इज अ 15-day-long ड्राइव लॉन्च बाय विच स्टेट टू कैरी डोर टू डोर सर्वे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन द स्टेट। तो इस राज्य में कोरोना वायरस भाई फैले ना, इसके लिए डोर टू डोर जाकर वहां पर सर्वे कराया जाएगा और देखा जाएगा कि किन लोगों के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। तो ये डोर टू डोर आपका सर्वे कराया जाएगा, सर्वे को नाम दिया गया किल कोरोना अभियान, ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हिरासत में रखे गए नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान अभी हाल ही में किया है? क्योंकि ये आदान प्रदान साल में 2 बार होता है, अभी हुआ है 1 जुलाई को और फिर इससे पहले आपका होता है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई, साल में 2 बार यहाँ पर ये सूची का आदान प्रदान होता है। करेक्ट आंसर पर बनता है आपका पाकिस्तान कंट्री। पाकिस्तान कंट्री के साथ भारत ने अपने नागरिक और मछुआरे और पाकिस्तान ने अपने नागरिक और मछुआरे इनकी इनकी जो नामों की लिस्ट है उसका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस में शामिल होने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, दीपिका पादुकोण या फिर प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, परिणीति चोपड़ा, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित या फिर आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन। विच 2 बॉलीवुड एक्टर्स हैज बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस? एक और चीज याद रखिएगा कि एकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस लिखा हुआ है इसे एकेडमी अवार्ड्स भी आप कह सकते हैं और इसे आप क्या भी कह सकते हैं, इसे आप ऑस्कर अवार्ड्स भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो आपका बनता है वो बनता है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है। कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में सरोज खान जी का निधन हो गया, ये जानी मानी क्या थी? कोरियोग्राफर थी, डांसर थी, एक्टर थी, सिंगर थी, राइटर थी, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी, क्या थी? तो करेक्ट आंसर वहां पर कोरियोग्राफर बनेगा। दूसरा, इनका वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम आपका बनता है निर्मला। इनका वास्तविक नाम क्या बनता है? इनका वास्तविक नाम बनता है निर्मला। अगला क्वेश्चन, किस शहर में बन रहे 10,000 बेड्स की क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर के वार्ड्स के नाम गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो ये जो आपकी कोविड-19 सेंटर बन रहा है ये दिल्ली में आपका बन रहा है, बन चुका है, और यहाँ पर आपके जो अलग अलग वार्ड्स बनते हैं उनका नाम यहाँ पर गलवान घाटी में जो 20 भारतीय सिपाही यहाँ पर शहीद हुए थे उनके नाम पर वार्ड का नाम यहाँ पर रखने का फैसला यहाँ पर किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम बनता है शशांक मनोहर जी, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इमरान ख्वाजा जो कि आपके यहाँ पर वाइस चेयरमैन थे वो अभी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे विजडन पत्रिका के द्वारा भारत के लिए 21वीं सदी में सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि वसीम जाफर, ये तो आपके उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के मेन कोच, मेन हेड कोच यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन विजडन मैगजीन की मैं बात करता हूँ, विजडन मैगजीन को बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, और रविंद्र जाडेजा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, टेस्ट मैचेस में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा। ओके, अगला क्वेश्चन,
हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल योजना किस राज्य के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है? सीधा आपको रटा होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है आपका मध्य प्रदेश स्टेट। क्या बनता है यहाँ पर? करेक्ट आंसर बनता है मध्य प्रदेश स्टेट। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे अमीर नगर पालिका किस शहर में संचालित होती है? इंडियाज रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी ऑपरेट इन विच सिटी? अहमदाबाद में, जयपुर में, मुंबई में और नई दिल्ली में? मैंने आपको बताया था कि बृहत मुंबई नगर पालिका यानी कि मुंबई की नगर पालिका सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है, जो भी वहां पर कर शुल्क और टैक्स वसूला जाता है उसके हिसाब से। ओके, इंडियन सिटीज की अगर मैं बात करता हूँ निक नेम्स की, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जैसे कि बेंगलुरु की मैं बात करता हूँ, तो एक बार फटाफट से यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट करेंगे। बेंगलुरु की बात करते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये चारों के चारों जो निक नेम आपके बनते हैं ये आपके बेंगलुरु शहर के बनते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु शहर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी आपका जाना जाता है। बेंगलुरु शहर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बेंगलुरु में ही आपके शुरू किए जाते हैं। चेन्नई शहर की बात करते हैं, तो चेन्नई शहर के भी चार निकनेम बनते हैं, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इसे साउथ इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है, और इंडिया एज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी आपकी चेन्नई शहर को आपका जाना जाता है। ये चेन्नई शहर का निकनेम बनता है। अगला जो शहर है वो मदुरई बनता है, जो कि तमिलनाडु में है। मदुरई शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, टेम्पल सिटी के नाम से जानते हैं, और एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। मुंबई की बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसके तीन निकनेम इंपॉर्टेंट बनेंगे। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सात टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी मुंबई आपका मशहूर है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही आपका मौजूद है, और हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से भी मुंबई को आपका जाना जाता है। उदयपुर राजस्थान की बात करते हैं, इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी उदयपुर राजस्थान को आपका जाना जाता है। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से याद रखिएगा, भोपाल शहर को भी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि झीलों का शहर, दोनों को जाना जाता है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। भागलपुर बिहार की बात करते हैं, सिल्क सिटी कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु की बात करते हैं, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़ असम को टी सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान को पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कहा। फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं मुंबई को, वेरी गुड सोनम सोनी जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय और महलों का शहर, दोनों कहते हैं। कोल्लम केरला को यहाँ पर कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, काजू राजधानी, विश्व की काजू राजधानी, क्योंकि काजू उत्पादन में नंबर वन पर है। कोची केरला की बात करते हैं, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, यानी कि अरब सागर की रानी के नाम से क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कोची केरला को जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसे नवाबों का शहर। मसूरी उत्तराखंड, इसको यहाँ पर क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर द लैंड ऑफ लीची के नाम से मुजफ्फरपुर को आपका जाना जाता है। नागपुर की बात करते हैं, ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाएगा। पानीपत हरियाणा को सिटी ऑफ वेवर्स यानी कि बुनकरों का शहर आपका पानीपत हरियाणा को कहते हैं। पुणे महाराष्ट्र को क्वीन ऑफ डेक्कन, दक्षिण की रानी के नाम से जाना जाता है। और तेजपुर असम को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ ब्लड के नाम से भी आपका जाना जाता है। आज थोड़े से करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कम थे आई नो, इसीलिए हमने यहाँ पर इस पूरे मंथ के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे उनको यहाँ पर रिवाइज किया है। उम्मीद है आपको क्लियर रहा होगा। पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका पेड बैच है वो आपका चल रहा है। अगर आप इस पेड बैच को ज्वाइन करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आने वाले समय में इकोनॉमिक्स, ये सब आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक फाउंडेशन बैच जो आपका चल रहा है, आप टारगेट 10 लगाकर एसएससी सेक्शन में इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कल आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, बहुत सारी करंट अफेयर्स के साथ कल मैं आप सभी के साथ फिर से मुलाकात यहाँ पर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर रहेंगी। और आप लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर, अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सिटी के निकनेम्स के बारे में, तो इसके बाद आप कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें चाहते हैं जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करें? जैसे कि मैंने बुक एंड ऑथर्स को डिस्कस किया, इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्विचुरी डिस्कस की, इसके अलावा मैंने आज आपसे निकनेम्स और इससे पहले भी निकनेम्स मैंने डिस्कस किए थे। तो इसी तरह से और कौन सा ऐसा पॉइंट बनता है, कौन सा ऐसा टॉपिक बनता है जिसको आप लोग यहाँ पर डिस्कस कराना चाहेंगे, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद, ताकि हम लोग उसको अगली क्लास में यहां पर शामिल कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों मेरे